मधुरापुर बाल विकास परियोजना कार्यालय सभागार में दिव्यांग बच्चों को लेकर समावेशी शिक्षा विभाग के द्वारा 3 दिवसीय प्रशिक्षण आंगनवाड़ी सेविकाओं को दिया गया, जहां 0 से 18 वर्ष के दिव्यांग बच्चों का विद्यालय और आंगनवाड़ी पोषक क्षेत्र में चिन्हित कर अभिभावकों को जागरूक करना है, ताकि दिव्यांग बच्चों में भी शिक्षा और सरकारी लाभ दिया जा सके। प्रशिक्षण दे रहे समावेशी शिक्षा के BRP जोखन प्रजापति ने बताया कि सभी सेविकाओं को अपने वार्ड और विद्यालय में नामांकित दिव्यांग बच्चों को चिन्हित कर अभिभावकों को जागरूक करना है, जहां प्रमाण पत्र बनवाने मुकबधिर बच्चों का चयन कर KG-BG में नामांकन करवाकर शिक्षा से जोड़ने पर प्रेरित करना है। इसके साथ ही 21 प्रकार के दिव्यांगत को चिन्हित कर रिपोर्ट विभाग को देना है, ताकि दिव्यांग बच्चों को सरकारी लाभ से आच्छादित किया जा सके। मुख्य उद्देश्य इसका ये है कि 0 से लेकर 18 वर्ष के बच्चा जो स्कूल में पढ़ते हैं और आंगनबाड़ी में नामांकित है, उनका सर्वेक्षण करना है, ठीक है, चिन्हित करने के बाद तो उनको क्या क्या है, उनका जिसका सर्टिफिकेशन नहीं हुआ है सर्टिफिकेट बनाया जाएगा, और जो विद्यालय से अटैच है उनको विशेष ट्रेनिंग देके कैंप लगाया जाएगा। जैसे मुकबधिर बच्चा है, बच्ची है, तो उनको KG-BG में नामांकन कराने के लिए प्रेरित किया जाएगा, गार्जियन को बताया जाएगा। इसी तरह विजुअल इम्पेयर्ड बच्चा है जो पढ़ने लिखने में दिक्कत हो रही है, तो उनको ब्रेल में KG-BG के नामांकन के लिए ब्रेल की लिपि के माध्यम से उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। यही सब है इनका मेन मुख्य उद्देश्य है। 21 प्रकार के जो डिसेबिलिटी है, जो दिव्यांग बच्चे हैं, उनको चिन्हित करना है, चिन्हित करके और उसके बाद उन पर उस पर काम करना है, रिपोर्ट करना है। अच्छा, कै दिन का ये प्रशिक्षण है जो आंगनवाड़ी सेविकाओं को चलाई जा रही है? ये 3 से 5 तारीख के बीच में चलाना है। इसमें जितना आंगनबाड़ी है प्रखंड में, उसमें 2 शिफ्ट में चलाना है, 11 से लेकर 1 बजे से पहला बैच, फिर उसके बाद 2 से लेकर 4 बजे तक 2 बैच में चलाना है। आज आंगनबाड़ी का अंतिम बैच है जो? हाँ, आज आंगनबाड़ी का कल 3 तारीख को 2 बैच चल चुका है और आज 2 बैच है। यानी इन लोगों का मुख्य कारण है कि गांव में जाके अपने पोषक क्षेत्र में जागरूक करना। हाँ, जागरूक करना है, चिन्हित करना है, और जो मिले हैं उनको हमको रिपोर्टिंग करना है, जो प्रखंड कार्यालय में रिपोर्ट करना है। आप अपना परिचय दीजिए सर। मेरा नाम जोखन प्रजापति, BRP समावेशी शिक्षा के मधुबनी से। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।